तो व्हाट्सअप गाइस आ चुके नी वीडियो के साथ। आज आपका भाई कुछ इस टाइप का सेट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला है। आप लोग देख सकते हो कितना खतरनाक हमारा फोटो सेट फोटो एडिट हुआ है। ऐसा गाइस फोटो एडिट करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करना पड़ेगा, एंड तक वीडियो को वॉच करना पड़ेगा आप लोग, तभी ऐसा कलर को टोल डालने के लिए आप लोग सीख पाओगे। और गाइस काफ़ी ज़्यादा ऐसा फोटो एडिटिंग करेंगे, इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, तो बोले क्यों नहीं भाई ऐसा फोटो एडिट करा जाए। आप लोग की इंस्टाग्राम ग्रोथ करना है तो ऐसा फोटो एडिट करके डालो, 110% आप लोग इंस्टाग्राम ग्रोथ करेगा। तब तक लिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ए रहा गाइस अपना ओरिजिनल फोटो आप लोग को दिखाते हैं, थोड़ा सा बैक आके आए आपको ओरिजिनल फोटो। ए रहा गाइस हमारा ओरिजिनल फोटो, आप लोग देख सकते हो कितना खतरनाक हमारा फोटो दिख रहा है। इस फोटो को आप लोग क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को लाइटरूम ऐप में गाइस फोटो को शेयर कर लेना है। लाइटरूम ऐप में गाइस शेयर करने के बाद कुछ इंटरफेस इस टाइप का खुलेगा। लाइटरूम ऐप में आने के बाद ए रहा गाइस हमारा ओरिजिनल फोटो और जो प्रीसेट यूज किए इस फोटो में, इस प्रीसेट है, इसको 3 डॉट पैसा को टैप करना आप लोग को। थोड़ा सा आप लोग का भी फोन लोड ले सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, तो आप लोग देख ही सकते हो। उसके बाद 3 डॉट पर टाइप करके कॉपी सेटिंग कर लेना। कॉपी सेटिंग गाइस करना, इसको बैक आने में आप लोग को 3 डॉट पैसा टाइप करना है ओरिजिनल फोटो बाद में, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। कॉपी पेस्ट करने के बाद ना आप लोग देख सकते हो हमारा फोटो कितना खतरनाक तरीके से HD क्वालिटी में हमारा फोटो हो चुका है। उसके बाद गाइस आप लोग को शेयर सेव करना अपना फोटो, सबसे पहले शेयर नहीं करना, सेव करेंगे तभी आपका फोटो HD क्वालिटी में आप लोग का सेव होगा, नहीं तो आपका फोटो HD क्वालिटी में नहीं शेयर करेंगे तो नहीं होगा। इसके लिए गाइस आप लोग को बोलते हैं अपना फोटो को शेयर मत कीजिएगा, सेव करेंगे तो आपका फोटो बहुत ही ज़्यादा HD क्वालिटी में सेव होता है। उसके बाद गाइस आप लोग को बैक आने बाद आप लोग गैलरी में दिखाते हैं हमारा फोटो, देख सकते हैं कितना खतरनाक तरीके से बिफोर एंड आफ्टर, तो आप लोग देख सकते हैं ओरिजिनल फोटो, इसको प्रीसेट डाले तो ऐसा कुछ हमारा फोटो हो चुका है। उसके बाद शेयर वाला आइकन पर गाइस आप लोग को टैप करके सबसे पहले अपना फोटो क्या करना है, स्नैपशीट ऐप में गाइस शेयर कर लेना है। स्नैपशीट ऐप में गाइस शेयर करने बाद कुछ इंटरफेस इस टाइप का खुलेगा, डिटेल पर आना है आप लोग को। इसको थोड़ा सा 24 करके, इसको भी 15-20 करके बढ़ा लेंगे। उसके बाद गाइस टूनी इमेज पे आना आप लोग को, इसको गाइस 4th नंबर पे थोड़ा करके 20 करके बढ़ा लेंगे। इसको एफसीटी को हल्का सा 4 करके बढ़ाएंगे और इसको भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे क्योंकि हमारा फेस पे जहाँ जहाँ लाइट रहेगा एडजस्ट हो जाएगा बिफोर एंड आफ्टर। इतना ट्रिक करने बाद आप लोग को सिलेक्टेड टूल पर करना है, आप लोग को जहाँ जहाँ ब्लैक टोन रहेगा आप लोग अच्छे तरीके से इसको वर्क कर लीजिएगा, क्योंकि गाइस आप लोग को भी बार बार ये आपका भाई बोलता है कि आप लोग गाइस एंड तक वीडियो को वॉच करेंगे तभी आप लोग ऐसा फोटो एडिट करना सीख पाएंगे। इसके लिए गाइस आप लोग को बार बार आपका भाई बताता है। और गाइस इस फोटो तो आप लोग देखें कितना ज़्यादा खतरनाक, सेम गाइस आप लोग जैसे थंबनेल में देखें ना आपका भाई सेम ऐसा फोटो एडिट करके सिखाने वाला है। बस गाइस आप लोग एंड तक वीडियो में बने रहिएगा और गाइस ऐसा करके सेलेक्ट कर लेना आप लोग को अच्छे तरीके से, जहाँ जहाँ आप लोग को ब्लैक टोन रहेगा सेम गाइस आप लोग को फोर्सेस कर लेना, इधर थोड़ा सा हैंड पर भी हमारा ब्लैक टोन दिखाई दे रहा है। उसके बाद गाइस आप लोग को शेयर वाले आइकन पर गाइस टाइप करके अपना फोटो को सेव करके आप लोग क्या करना है, गैलरी में आना है। गैलरी में गाइस आने बाद अपना फोटो को ऑटोडेस्क ऐप में गाइस शेयर कर लेना है। ऑटोडेस्क ऐप में गाइस शेयर करने बाद आप लोग देख सकते हो ये वाला ब्रश को आप लोग को लेना है। उसके बाद गाइस आप लोग क्या करना है, इसका सेटिंग देख सकते हैं। ऐसा गाइस पूरा फोटो आप लोग को अच्छे तरीके से स्मूथ कर लेना है। देखिए ऐसा गाइस पूरा फोटो अच्छे तरीके आप लोग भी स्मूथ कर लीजिएगा, देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से अपना फोटो को स्मूथ कर रहे हैं। आप लोग भी सेम प्रोसेस करके ना अपना फोटो को स्मूथ कर लीजिएगा, क्योंकि गाइस आप लोग को देख सकते हो बैकग्राउंड में ज़्यादा नॉइस आता होगा, तो आप लोग तो हमारा मजबूरी तो समझ सकते हैं, काम भी करते हैं हम, वीडियो भी बनाते हैं, दोनों काम करते हैं। इसके लिए गाइस आप लोग तो हमारा जो आप लोग भाई लोग यार हमारा मजबूरी तो समझ सकते हो। थोड़ा सा इस वीडियो को फास्ट करके अपना फोटो को अच्छे तरीके से आप लोग स्मूथ कर लीजिएगा। वीडियो को हल्का सा गाइस फास्ट कर दिए इसके लिए, क्योंकि गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो ना हो, इसके लिए गाइस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके ना अपना फेस को स्मूथ कर ले रहे हैं। आप लोग भी गाइस अच्छे तरीके से अपना फेस को स्मूथ कर लीजिएगा, देख सकते हो कितना मस्त तरीके से अपना फेस को स्मूथ कर रहे हैं। आप लोग भी ना ऐसा गाइस अपना फेस को अच्छे तरीके से बहुत ही आराम आराम से आप लोग को टाइम दे देकर अपना फेस को स्मूथ करना है। देखिए कितना अच्छे तरीके से ना अपना फेस जैसे हम स्मूथ करें, आप लोग भी आराम आराम से अपना फोटो को स्मूथ कर लीजिएगा। और गाइस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका भाई का चैनल यार, आपका भाई का सपोर्ट करो। और गाइस तो हमारा यूट्यूब फैमिली तो हो चुका है 25,000, तो आप लोग गाइस देख सकते हो आप लोग ऐसा ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए। और गाइस ऐसा करके आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस ऐसा और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच। और गाइस ऐसा करके आप लोग अच्छे तरीके से अपना फोटो को स्मूथ कर लीजिएगा। और गाइस स्मूथ करने बाद आप लोगों इसका आगे का जो प्रोसेस है आप लोगों को दिखा चुके हैं। आप लोग फाइनली गाइस हमारा फोटो स्मूथ हो चुका है, देख सकते हैं कितना कमाल सा। थोड़ा सा गाइस इसमें क्या किया है ना, सेट का कलर हम चेंज कर लिए, क्योंकि गाइस हमारा दोनों रेड हो जाएगा, क्योंकि गाइस ब्लड को डालेंगे तो उसमें मैच नहीं करेगा। इसके लिए गाइस सेट का कलर चेंज करने बाद हमारा फोटो को स्मूथ करने बाद अपना फोटो शेयर वाला आइकन पे गाइस आप लोग को टाइप करना है ना,
इसके लिए गाइस हमारा फोटो थोड़ा सा चेंज दिखता होगा आप लोग को स्मूथ करने के बाद, शर्ट का कलर चेंज किया वो नहीं दिखाएं आप लोग को। उसके बाद शेयर वाला आइकन पर स्टैप करके अपना फोटो क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को फोटो रूम ऐप में गाइस अपना फोटो को शेयर कर लेना है। फोटो रूम में गाइस शेयर करने के बाद कुछ आप लोग को इंटरफेस इस टाइप का खुलेगा, आप लोग तो देख सकते हो। उसके बाद गाइस हमारा फोटो कट हो जाएगा। उसके बाद गाइस आप लोग को थोड़ा सा डाटा का हमारा प्रॉब्लम चल रहा है, इसके लिए इंटरफेस खुला धीरे धीरे से। उसके बाद इस पर गाइस ब्लर वाला आइकन पर गाइस हम टाइप करेंगे। उसके बाद ब्लर पर इस पर टाइप करेंगे, फिर नीचे भी ब्लर वाला आइकन पे टाइप करके दूसरे नंबर ब्लर को सेलेक्ट करके 27 करके रख लेंगे। उसके बाद कलर वाला आइकन पे आना, इसको आप लोग को पूरा माइनस कर लेना है। उसके बाद इसको भी थोड़ा सा माइनस कर लेना और इसको भी हल्का सा गाइस करके माइनस कर लेना आप लोग भी तेज करके। उसके बाद गाइस अपना फोटो को सेव कर लेना या तो नहीं तो शेयर कर लेना है, ये दोनों आप लोग को बता दिए सेव भी करने के लिए शेयर भी करने के लिए। आप लोग को फोटो के यहाँ से हम अपना फोटो को शेयर कर लेते हैं, किसमें गाइस देख सकते हो किसमें फोन शेयर कर रहे हैं, पिक्सर आर्ट टाइप में गाइस। उसके बाद इसको आप लोग 28x28 करके रख लेंगे तो को हमारा फोटो बहुत अच्छी तरीके से स्मूथ होता है और HD क्वालिटी में होता है। उसके बाद गाइस अपना फोटो को जो पहले स्मूथ ऐसा अपना फोटो को सेलेक्ट करने बाद आप लोग को ऐसा फोटो को ले लेना है, दोनों फिंगर से ऐसा छोटा करके इसको सेम साइज पर रख लेना है। उसके बाद गाइस आप लोग को पेंसिल आइकन पर टाइप करके यहाँ से नीचे एक साइड से आप लोग को क्या करना है, इरेज कर देना। अपना जो फोटो रूम का लोगो भी वो भी खत्म हो जाएगा, दोनों खत्म हो जाएगा। उसके बाद गाइस आप लोग को डन कर लेना अपना फोटो को। डन करने बाद गाइस आप लोग को क्या करना है इसका आगे का प्रोसेस आप लोग को बताते। इस पर टाइप करके जो हमारा हेयर है, इस हेयर को सबसे पहले हम लोग उठा लेंगे अच्छे तरीके से। देखिए इसको हेयर को गाइस अच्छे तरीके से आप लोग भी उठा लीजिएगा। देखिए ऐसा करके हेयर को अच्छे तरीके से आप लोग इसको नीचे वाले को 10 या 9 करके रख के अच्छे तरीके से अपना साइज के हिसाब से आप लोग ब्रश को सेलेक्ट करके हेयर को अच्छे तरीके से उठाने बाद हमारा फोटो में देख सकते कितना मस्त लुक आ चुका है और आ गया है। ऐसा करके आप लोग भी कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से हेयर को उठा लीजिएगा। उसके बाद गाइस आप लोग को थोड़ा सा बैक आके इसको डन कर लेना है। अच्छे तरीके से हेयर को उठाने बाद इसको डन कर लेते हैं। उसके बाद गाइस आप लोग को क्या करना है, गैलरी में आना है। गैलरी में गाइस आप लोग को सभी PNG का लिंक मिल जाएगा, आप लोग बहुत ही आसान तरीके से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इस PNG गाइस क्या करना गाइस, इस PNG को सबसे पहले दो तीन PNG जो इसको सेलेक्ट कर लेते, इसको आगे का जो PNG उसको सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे इसको रख लेना है। इसको अच्छे तरीके से बैठा के यहाँ पे जैसे हमारे दिल के पास से दिल निकल के बाहर आ चुका हाथ में पकड़े हैं, इसको गाइस आप लोग को क्या करना है दोनों फिंगर से छोटा करके अच्छे तरीके से हाथ पे अपना बैठा लेना है। आप लोग जैसा भी पोज मार सकते हो, बस अच्छा लगेगा यार आप लोग बैठाएंगे तो। उसके बाद अच्छे तरीके से बैठाने बाद उसके बाद पेंसिल आइकन पे गाइस आप लोग को टाइप करना है। देखिए पेंसिल आइकन पे टाइप करके इसको दाब देंगे तो सभी खत्म हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाले सेटिंग को आप लोग 93 करके रख के अच्छे तरीके से आप लोग हाथ पे लगाएंगे, जैसे अपने हाथ पे ना हम दिल को ऐसा पकड़े हैं, दिल को ऐसा पकड़े हैं। देखिए गाइस ऐसा करके इसको जैसे हम पकड़े हैं ऐसा करके अच्छे तरीके से आप लोग भी और कर लीजिएगा। देखिए कितना अच्छे तरीके से इसको लगा रहे हैं आप लोग भी, इसको गाइस अच्छे तरीके से आप लोग भी लगा लीजिएगा। देखिए कितना अच्छे तरीके से ऐसा करके लगा लेंगे। ब्रश को छोटा बड़ा करके अपने फोटो के हिसाब से आप लोग भी लगा लीजिएगा। इसको ब्रश को छोटा करके अच्छे तरीके से हम इसको लगा लेते हैं। आप लोग भी ऐसा करके ब्रश को छोटा करके अच्छे तरीके से बैठा लीजिएगा जैसे हम बैठा रहे हैं। आप लोग गाइस बस वीडियो को एंड तक वॉच करिए, आप लोग को ट्रिक से गाइस ये वीडियो भरा है कैसा कितना खतरनाक आपका ट्रिक आपका भाई बताएगा। बस गाइस आप लोग को वीडियो को बनना पड़ेगा और गाइस कैसा कलर की एडिटिंग करा जाता है फोटो में आपका भाई इसमें बताने वाला है। कोई भी गाइस आप लोग यूट्यूब पर बहुत कम लोग बताता होगा कलर ग्रेडिंग कैसा करा जाता है, बहुत ही सिंपल तरीका यार, लेकिन कोई बताता ही नहीं है, बस आपका भाई बताएगा। अच्छे तरीके से आप लोग को यहाँ पे बैठा लेना है। देखिए कितना अच्छे तरीके से हम बैठा रहे हैं, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से इसको बैठा लीजिएगा। देखिए अच्छे तरीके से जैसे हम बैठा रहे हैं सेम प्रोसेस करके आप लोग भी इसको हाथ में जैसा लगेगा रियल तितलिक जैसा हम पकड़े हैं हाथ को दिल को ऐसा करके इसको बैठा लीजिएगा। उसके बाद सभी जगह जो पेंसिल पे आइकन पे टाइप करके तो फाइनली हम तो बैठा चुके, आप लोग भी आराम से बैठा लीजिएगा और अच्छे तरीके जैसा लग रहा है हमारा दिल सेम ऐसा गैद के पकड़े हुए हैं। देखिए उसके बाद डन कर देंगे। डन करने बाद जो ये वाला हमारा PNG है इसको गाइस यहाँ पर करके अपना जो दोनों में ऐसा करके ज्वाइंट कर लेंगे। उसके बाद वो फिर टाइप करके इसको नीचे कर देंगे तो हमारा अच्छे तरीके से ज्वाइंट हो जाएगा। देखिए कितना अच्छे तरीके से ज्वाइंट हो चुका है। उसके बाद गाइस आप लोग को इस पर एक लाइट का और जो PNG आप लोग को सभी PNG आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ब्लड का ये PNG इसको सबसे पहले हम लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद सेम वही प्रोसेस करेंगे, इस पर नीचे पर टाइप करेंगे तो हमारा नीचे चला जाएगा। उसके बाद गाइस फिर से यहाँ पर इसको ऐड कर लेते हैं एक और PNG जो हमारा रोज का PNG और लाइट का PNG है, आई मिस यू लव करके लिखा है, इसको भी यहाँ पे करके ऐड कर लेते हैं। उसके बाद गाइस फिर से गाइस इस पर टाइप करके आप लोग को सबसे पहले उसके बाद रोज का PNG जो आप लोग को मिलेगा यहाँ पर गाइस आप लोग लगा लीजिएगा। उसके बाद गाइस आप लोग को फिर करके इसको लाइट का जो हमारा PNG है इसको ले लेंगे। नाइस गाइस जो हम रोए आँख का गाइस
आंसू निकाल रहा है यहाँ पर गाइस। यहाँ पर कुछ अच्छे तरीके से आप लोग बैठा लीजिएगा, थोड़ा बोलने में आप लोग को प्रॉब्लम हो गया होगा हमको, इसके लिए आई एम रियली सॉरी यार। अच्छे तरीके से इसको बैठा लीजिएगा। उसके बाद गाइस आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर गाइस आप लोग को फिर से गाइस इस पर टाइप करके जो हमारा लाइट का पीएनजी है वो पीएनजी गाइस गैलरी में से जो वो दो तीन पीएनजी इसको मिलेगा, तो फाइनली इसको ऐड कर चुके हैं। इसको पीएनजी गाइस ब्रोकन वाले को यहाँ पर रख के इसको सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, इसे जूम करके अपना गाल पे गाइस यहाँ पर कुछ करके अच्छे तरीके से बैठा लेना है। देखिए इस पर टाइप करके इसको ब्लेंडिंग कर देंगे और तीसरे नंबर पाएंगे तो देख सकते हैं एक क्लिक एक ही बार में हमारा कितना अच्छे तरीके से ये बैठ चुका है। अच्छे तरीके से इसको बैठा लीजिएगा। उसके बाद ब्रोकन पे आएंगे, इसको गाइस आप लोग को इस पर टाइप करके आप लोग को क्या करना है, ब्लेंडिंग कर लेना है। देखिए ब्लेंडिंग करने बाद इसको जूम कर लेना अपना फोटो को अच्छे तरीके से। उसके बाद गाइस इस पर लाइट को आएंगे, देखिए इस पर लाइट पे आने बाद ये लाइट को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो गाइस सेलेक्ट करने बाद यहाँ पर कुछ इसको बैठा लेंगे और उसका एफ सी टू को लाइट को एंड थोड़ा सा इसको एफ सी टू को एंड लाइट को थोड़ा सा आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ बैठा के इसको लाइट को आप लोग एफ सी टू को थोड़ा कम कर लेंगे। कम करने बाद गाइस आप लोग को इसका आप लोग को डुप्लीकेट ले लेंगे तो नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा पीएनजी हमारा ऐड हो चुका है। इसको नीचे की साइड से हल्का हल्का इरेज कर लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि गाइस हमारा जो लग रहा है जैसा खड़ा लग रहा है ना, अच्छे तरीके से आप लोग भी बैठा लीजिएगा जी, तो नहीं ऐड होगा। उसको डन करके फिर एक गाइस इस पर टाइप करके जो हमारा लाइट का पीएनजी, इसको लाइट को भी यहाँ पे डन कर लेंगे, ऐड नहीं होगा, ज़्यादा पीएनजी को ऐड कर लिए थे। उसके बाद इसको लाइट पे गाइस आप लोग को ये पीएनजी को ऐड कर लेना है, इसको ब्लेंडिंग करके यहाँ पे गाइस कुछ आप लोग को जूम करके अच्छे तरीके से इसको बैठा लेना है, हम जैसा बैठा रहे हैं आप लोग को। उसके बाद इसे डन कर लेना है तो फाइनली गाइस तो इसमें तो हमारा फोटो एडिट हो चुका है। उसके बाद शेयर वाला आइकन पे गाइस आप लोग को टाइप करके कलर ग्रेडिंग करने का आप लोग को सिखाएंगे। इस स्नैपसी टाइम में गाइस अपना फोटो को शेयर कर लीजिएगा। इसमें गाइस आप लोग को इस कलर ग्रेडिंग करने के लिए इस पर टाइप करेंगे कोर वाला आइकन पे। उसके बाद इस ब्लू कलर को सेलेक्ट करके नीचे बीच में पकड़ के थोड़ा सा ऊपर की साइड में उठा देंगे। उसके बाद यहाँ पर टाइप करके इसको उठा लेंगे अच्छे तरीके से, देखिए। अब फिर से गाइस ग्रीन कलर पे अच्छे तरीके से आप लोग को अपने फोटो के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि गाइस हर एक फोटो का अलग अलग में कलर रहता है और गाइस लाइट तो अलग अलग सभी में रहता है। अच्छे तरीके से आप लोग भी बैठा लीजिएगा जैसे हम बैठा रहे हैं। देखिए हमारा फोटो कितना एच डी क्वालिटी में सेव हो चुका है, जैसा गाइस आप लोग थंबनेल में देखे सेम गाइस अपना भाई का आपको ऐसा फोटो एडिट करने का सिखा दिया है। और गाइस तब तक के लिए गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, आप लोग देख सकते हो जैसा गाइस थंबनेल में देखे सेम गाइस आप लोग को भाई फोटो एडिट करके सिखाया। और गाइस तब तक के लिए गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आशा करते वीडियो बहुत ज़्यादा आप लोग को पसंद आया।